हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, कुछ बातें उनके लिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियोस महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड होंगे। सेकेंडली, सिर्फ स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप बार बार देख सकते हो। क्योंकि अगर टीचर एक्सप्लेनेशन करने के दौरान अगर आपको ना समझ में आए तो अगर आप डाउट्स भी पूछो तो बार बार पूछने पर वो टीचर भी इरिटेट हो जाती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। थर्डली, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि कोई भी डाउट्स हो तो आपका डाउट्स भी क्लियर होंगे अगर आप एंड तक देखो तो वीडियो। और लास्टली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो के थोड़े नीचे जाइए और राइट हैंड साइड में एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप जैसे स्टूडेंट्स की मैं मदद कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 7th का मैथमेटिक्स, और वो है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स फर्स्ट वीडियो। पिछले साल स्टैंडर्ड 6th में आप सभी को ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन नाम का एक लेसन था। उसमें आपको बताया गया था कि फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, नॉर्मली आपको पता है ऊपर और नीचे एक नंबर होता है। ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और सेकेंड वाले को हम कहते हैं जो नीचे होते हैं उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसे कहते हैं फ्रैक्शन। और पिछले साल हमने ये भी सीखा देखा था उस लेसन में कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस के बारे में बात करो उस लेसन के बारे में स्टैंडर्ड 6th में, कि किस तरह से हमें ऐड करना है इन अ फ्रैक्शनल कॉन्सेप्ट, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों चीज़ें किस तरह से हमने हमें ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस उसमें बताया गया था। तो देखिए, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन ये है कि उसके साथ ये जो रैशनल नंबर ये जो टर्म जुड़ा है इस लेसन में वो थोड़ा अलग सा है, क्योंकि ये जो आप टर्म जो आप देख रहे हो रैशनल नंबर्स वो आपको स्टैंडर्ड 8th और 9th में भी आपको देखने को मिलेगा ही, और बहुत ही सिंपल और एकदम ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको बताया गया आगे के प्रैक्टिस सेट में। लेकिन इस लेसन की जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो आपको लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 6th में जो सम्स सिखाए गए थे उसका जस्ट एक रिविजन के तौर पर एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मैं आप लोगों का एक्सप्लेन तो जरूर करूंगा। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन का जो लेसन है स्टैंडर्ड 6th का, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सिंपल तरीके से, आप लोग समझ जाओगे। लेकिन इसमें जो सम्स है, अभी देखो प्रैक्टिस सेट 22, ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 ओपन कीजिए आप। उसमें लिखा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5/36 प्लस 6/42, इस तरह से। अभी पिछले साल अगर आपने देखा होगा जो सम्स थे वो थोड़ा जिनके उनके डिनोमिनेटर्स बड़े छोटे नंबर के होते थे, इसमें भी है, बस ये फर्स्ट सम और को छोड़ के बाकी सारे सम्स बहुत ही इजी है। लेकिन देखो एक बात है, ये ऐड का सम है तो मैं जैसे यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये डिनोमिनेटर, हमारा एक ही मोटो होता है कि दोनों तरफ हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है, सेम बनाना है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे, तो इसे सेम किस तरह से करना है उसका भी एक तरीका है। देखिए, चाहे तो हम इसको 36 और 42 इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, 3 1 3 3 2 6 3 4 12 2 2 4 1 2 2 4 2 3 7 21 7 1 7, इस तरह से। फिर देखिए कॉमन क्या है इसमें, देखिए इसे एक बार लेना है 3 × 2, फिर अनकॉमन लेना, मतलब हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ का कॉमन लेना है एक बार, और एज वेल एज अनकॉमन भी लेना है, ओके। एलसीएम का मतलब वो होता है, देखो यहाँ पर 3 और 2 मैंने देखो 3 और 2 नोट डाउन किया, कॉमन वाली चीज है, जो अंडरलाइन किया वो कॉमन वाला, उसके अनकॉमन देखिए 3 × 2 और 7, ठीक है, 3 2 6 3 2 6 और 7 6 6 36 36 7 7 6 42 7 3 21 22 23 24 25 250 2 answer।
ओके सो हमें क्या करना है, हमें इन सच अ वे लिखना है कि वो नंबर मतलब जो आंसर आ रहा है 252 इसे हमें यहाँ लिखना है और देखना है 36 में कौन सा टेबल जा रहा है, अगर वो नंबर जा रहा हो उसे ऊपर भी लिखना है। ओके देखो मैं वापस से समझा रहा हूँ, फ्रैक्शन में जब भी हम सॉल्व करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में डिनोमिनेटर हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि डिनोमिनेटर जो होता है उसे हमें सेम करना है, सेम बनाना है। तो अभी देखो ये बहुत बड़े नंबर्स है तो इम्पॉसिबल है, किस तरह से आप करोगे, तो आपको कैसे करना है, इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको एलसीएम लेके आपको आंसर मिला 252। एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन एज वेल एज अनकॉमन, मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखना है और जो बचे हुए नंबर्स है उसे जस्ट नोट डाउन करके टोटल मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पर 252 आंसर मिला, इसे मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। ओके अब हमें ये देखना है 36 जाता है क्या टेबल में, जैसे कि ओके 6 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 7 7 दिखते, एक बार ट्राई करते 7 6 42 क्योंकि लास्ट में 42 है इसलिए जस्ट में ट्राई करो 7 6 42 7 3 21 22 22 252 राइट आपको आंसर मिला, दैट मींस 36 इसमें जा रहा है 36 7 की टेबल में जा रहा है 36 7 252। ये जो 7 यहाँ पर लिखा गया उसे आपको ऊपर भी न्यूमरेटर में भी लिखना है, तो जो 7 5 35 ओके वी गॉट दिस वन। मैं जरा इसे रब आउट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट मैं इधर 252 लिखता हूँ, कॉमन अनकॉमन का वो चीज रब किया मैंने, ये हमने सॉल्व किया, इसका एक डिनोमिनेटर हमने सेम लाया। अभी इधर भी जैसे हमने यहाँ किया ठीक इसी तरह हमें इस तरह भी करना, 252 लिखना। ओके ये जो 252 मिला है आपको दोनों तरफ ऐसा लिखना है। 42 में देख लीजिए 2 1 2 2 4 6 2 12 ओके जो 12 है लास्ट में 2 है यहाँ पर भी 2 है तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। ओके 6 2 12 6 4 24 + 1 25 वेरी गुड कूल, तो 6 में जा रहा है ऊपर भी 6 में लिखिए, जैसे यहाँ पर हमने 7 से मिल रहा है टेबल 7 से हुआ डिवाइड मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पर भी 7 लिए तो सिमिलरली यहाँ पर भी 6 ऊपर भी 6 6 6 36 से मैं रब आउट करता हूँ। देखिए आपको 35 ये जो दोनों आंसर्स आपको मिले इसे आपको प्लस करना है 252 + 36 252। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ है, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना था और हम हो चुका है तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होते हैं उससे आप एक ही बार लोगे और ये जो 35 + 36 है इसे आप प्लस कर दोगे तेज रहते हो। डिनोमिनेटर हमने कॉमन लिया तो एज इट इज हमें यहाँ पर लिखना है तो आंसर 71/252। सो आगे के जो सम्स होंगे वो बड़ा इजी होगा सो नो नीड टू पैनिक अबाउट इट। देखिए नेक्स्ट सम जो है उसे अभी ये जो आपने प्राइम फैक्टर मेथड और एलसीएम लिया किसके लिए, क्योंकि ये जो दो नंबर्स जो आप देख रहे हो 36 और 42 वो काफी बड़े नंबर्स थे इसीलिए हमें ये लेना पड़ा। अदरवाइज क्या होता है कि जब अगर छोटा नंबर होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, उसका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पिछले साल नहीं सीखे हो तो आज ये साल तो सीख ही लेना ये ठीक है तो मैं इसे रब आउट कर रहा हूँ। सेकेंड सम देखते हैं ओके इसमें लिखा है 1 2/3 + 2 4/5 अभी देखो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक नंबर होता है और कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है इस तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सॉल्व करना है, हमें क्या करना है ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसे बराबर से हमें लिखना है और इस नंबर को किस तरह से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। ओके इन अदर टर्म देखो कैसे करना है, ये जो डिनोमिनेटर 3 है इसको मल्टीप्लाई करो 1 से 3 1 3 और 3 मिलने के बाद प्लस करना उप न्यूमरेटर से, जैसे कि 3 1 3 + 2 5/3 इस तरह से
डिनोमिनेटर होगा वही होगा, क्या करना है 3 1 3 + 2 5। ओके सिमिलरली ये वाला 5 2 10 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से वो जो बड़ा नंबर लिखा है हाईलाइटेड है उसे मल्टीप्लाई करना है 5 2 10 + 4 14 / 5। अभी देखो यहाँ पर क्या समस्या हो रही है, जस्ट लाइक फर्स्ट सम डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे नंबर्स हैं तो बड़ा ही कन्वीनियंट है करना। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को देखना है। ओके बोथ द डिनोमिनेटर्स यू हैव टू सी। देखो इन दोनों में से छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, 3। 3 को मल्टीप्लाई 3 जा रहा है 5 में, जस्ट देखना है 3 1 3 3 2 6। 5 तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, दूर दूर तक नहीं जा रहा है। तो क्या करना है आपको, इस तरह से आपको लिखना है ये जो 5 है आपको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। ओके अंडरस्टैंडिंग, ये 5 को इस तरफ देना है और इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऑपोजिट वे में आपको कैलकुलेट करना है। 5 5 25 5 3 15 और ये 5 3 15 14 3 42। ओके सो वी गॉट, देखो डिनोमिनेटर सेम है, मैंने क्या किया दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जा रहे। ओके देखो नोट कर लेने वाली बात, दोनों एक दूसरे के टेबल में ही जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया 5 को इस ऑपोजिट वे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने दिया और इस 3 को भी ऑपोजिट वे में 5 के और 14 को मल्टीप्लाई करने दिया। इस तरह से मुझे आंसर क्या मिल रहा है 25 / 15 + 42 / 15। और सिमिलरली क्या करना है 15 को कॉमन रखना है, दो टाइम है तो एक ही बार लेना है और ये 25 + 42 को प्लस करना है 5 6 7 5 4 9। आंसर मिला 97/50। बड़ा इजी सम है। अभी देखो थर्ड सम अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, दो सम है थर्ड और फोर्थ सम, बड़ा ही इजी है। देखो थर्ड में क्या लिखा है 11/17 + 13/19। क्या करना है आपको, सिमिलर वे में करना है, इसमें कुछ नहीं। जो 19 आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में जो आपको डिनोमिनेटर 19 दिख रहे हो, आपको लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने, कैसे 11 × 19 और 17 × 19 वो हो गया, और राइट साइड में आपको 17 को लेके मल्टीप्लाई करना है, 17 कैसे 13 × 17 और 19 × 17। सिमिलर बहुत ईजी है। फोर्थ वाला भी बहुत ईजी है, मिक्स फ्रैक्शन है आपको प्रॉपर करना है, जैसे कि 11 2 22 + 3 25 बराबर 25/11 या 25/11 + 77 1 और 77 + 3 कितना 78 79 80 80/77। बस अभी देखो ये मैं फोर्थ सम करके बताना चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट वे में, थर्ड सम तो आप लोग ट्राई कीजिए, फोर्थ सम मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह से अभी क्या करने हैं, नॉर्मल मिक्स फ्रैक्शंस 11 2 22 + 3 25/11 73 80 अभी मैंने डिस्कस किया था। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर्स देखने हैं, सेम बनाने हैं। ओके अभी इन दोनों में से छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, ऑब्वियसली 11। जस्ट देखो 11 जा रहा है क्या 77, मतलब ये जो छोटा नंबर है देखना है कि ये बड़े नंबर के जा रहा है क्या टेबल में। देखिए 11 7 77 तो यहाँ पर जस्ट आपको 25 7 कितना हो रहा है 175/77। देखो कैसे किया मैंने, इसे अभी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके इसे एज इट इज 80/77 नीचे लाना है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में देखो, एक ऐसा छोटा डिनोमिनेटर 11 है वो जा रहा है 7 के टेबल में, तो आपको सिर्फ इसे ही चेंज करना है, इसका ही चेंज करके आपको 77 आंसर मिल रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी 77 है, तो ये दोनों को कैलकुलेट करना है 175 + 80। ओके इस तरह से आपको प्लस करना है एंड यू गेट द आंसर, नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसे देखो 255/77 आंसर मिल रहा है, बड़ा ईजी है। ये वाला भी जितना डाउट था नहीं, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पर। ओके मतलब आप लोग क्या करोगे, मेरे को अगर आप मिसअंडरस्टैंड करो तो आप लोग ये 77 को यहाँ पर करोगे 11 को, तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो इस तरह से नहीं करना है।
ओके तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर टू, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, कैरी और द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस, बड़ा इजी है पूरा। जैसे प्लस सम मैंने आपको एक्सप्लेन किया ठीक उसी तरह से आपको माइनस सम्स भी करने, बस इतने से फर्क में कि जब ये जब प्लस साइन है इसकी जगह आपको बस माइनस साइन डाल के बस कैलकुलेट करना है, बस एडिशन में जैसा है वैसे सब्ट्रैक्शन में बस प्लस की जगह आपको लास्ट में माइनस करना है, बस दैट्स इट। ओके तो एज सच तो कुछ नहीं, लेकिन जो सेकेंड सम है 13/36 -2/40 उसको आपको कैसे करना है, प्राइम फैक्टर मेथड लेके आपको एलसीएम निकाल के इस तरह से सॉल्व करना है। जैसे मैंने फर्स्ट सम किया ना इस प्रैक्टिस से कर द वेरी फर्स्ट सम, उसको आप समझने की कोशिश करो, आप तुरंत समझ जाओगे कि सेकेंड सम सब्ट्रैक्शन का किस तरह से करना है। थर्ड फोर्थ ओके इट्स ओके, मल्टीप्लीकेशन बड़ा ईजी लास्ट ईयर के सम से, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कुछ नहीं होता। ओके मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दो नंबर्स होते हैं जैसे कि 3/11 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कुछ सम्स दिए गए मैं सब नोट डाउन करता हूँ। ओके मतलब 12/5 4/15 -8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इसमें क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई में ऐसे क्या करना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, बस ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं जस्ट यू हैव टू स्ट्रेट मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है। लास्ट ईयर भी था लेकिन मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जिन्होंने मैथ्स पे ज्यादा ध्यान ना दिया हो लास्ट ईयर, इस साल देने की कोशिश करो क्योंकि 9th और 10th आप लोगों को बहुत ही मुश्किल होने वाला है अगर आप अभी से ही नहीं समझोगे। 3 2 कितना होता है 6, 11 5 55 बड़ा इजी है, 12 4 48 एंड 15 5 1 second ओके 75 15 5 75। उसके बाद 8 3 24 लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो वो भी डालने, 9 4 36 3 0 0 6 4 24 दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन मल्टीप्लीकेशन, बड़ा इजी है। ओके डिवीजन का एक छोटा सा ये बताना चाहता हूँ, इसमें देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या लिखा है, राइट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, बस आपको पहला क्वेश्चन देखिए 2/5 दिया गया, इस तरह से 2/5 क्वेश्चन दिया गया, आपको जो उल्टा करना है 5/2 तो बाकी सारे सम्स 2/5 का 5/2 होगा, -3/8 का क्या होगा -8/3, फिर -17/39 का क्या होगा 39, -39/17, 7 का क्या होगा जो 7 दिया रहेगा उसका क्या होगा ऐसा रहेगा 1/7 होगा, डिनोमिनेटर में 1 आप कंसीडर कीजिए। हाँ बाकी सब तो नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि -22/3 दिया है तो 3 -3/22 लिखना है, ये भी बड़ा ईजी है। ओके लास्ट में एक डिवीजन का, वो भी इजी है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का, देखो अभी मैं रब आउट कर रहा हूँ आप लोग मल्टीप्लिकेशन का ये टर्म ये समझे होंगे सम्स कैसे सॉल्व करनी। देखिए अभी डिवीजन में क्या है, आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है इसमें, देखो 12/40/12 10/4 ओके ये भी मैं आपको एक सम बताऊंगा बाकी सम आप खुद ही कर सकते हो, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, ये डिवीजन का सम है ओके 40/12 ये सब आपको इजी जरूर लगेगा लेकिन आप प्लीज 10th तक ये सम्स ना भूले, बहुत ही तकलीफ होगा आपको। देखिए आपको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ओके लेफ्ट हैंड राइट, सबसे पहले डिवीजन का सम होगा जो लेफ्ट साइड होता है उसे आपको एज इट इज नोट डाउन करना है ओके ये डिवीजन का जगह क्या लिखना है आपको मल्टीप्लीकेशन साइन डालना है, ये भी ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड है उसको क्या करोगे आप इनवर्स, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा करना है ऑपोजिट, जो 10/4 होगा वो क्या होगा 4/10, बस आपको सिर्फ ये दो चीजें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन, ये फर्स्ट वाला तो एज इट इज लिखना है, सेकेंड वाले को आपको थोड़ा चेंज करना है मल्टीप्लाई करना है साइन डालना है, और ये थर्ड वाले आपको जरा फ्लिप करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कह सकते हो, तो वो
अबे आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या हो, 44 160 और 12 10 120। इसे आप चाहे तो ये दोनों जरा जीरो दिख रहा है उसे आप रब कर सकते हो, 16/12 होगा। लेकिन आप फिर भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो कॉमन टेबल करके, लोएस्ट करके, इसी सम में अगर ज़्यादा ही बड़ा नंबर होगा तो लोएस्ट कीजिए, ये आपको करना हो तो ऑप्शनली, या फिर आप इतना तक लिख के भी आप छोड़ सकते हो, आपको मार्क्स मिल सकता है, ऐसा सच कुछ डाउट नहीं है। लेकिन आपको लोएस्ट करना सीखना हो तो वो भी कर सकते हो, मैं वो भी सिखा रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स का ये शिकायत ना आए कि मैंने यहाँ तक ही सम रोका है। देखो 16 4 4 16 और 4 3 12, इसका मतलब क्या है कि मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि जो एक टेबल है 4 का टेबल, दोनों टेबल्स में, दोनों इसमें जा रहा हूँ, जैसे 4 4 16 4 3 12, ये कॉमन होगा, आंसर क्या आ रहा है 4/3। इस तरह आगे के जो सम्स होंगे सेकेंड सम से वो बड़े इजी है, बस आपको ये जो लेफ्ट साइड को एज इट इज रखना है, ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में जस्ट आपको लिखना है, और जो 10/4 है इसको रिवर्स करना है 4/10 और स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो इस तरह से मैंने एक प्रैक्टिस सेट कवर अप किया इस लेसन का, इस वीडियो के माध्यम से। आगे आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कैसे होंगे। आप लोग फिलहाल इसे आप चाहे तो समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड तक, जितने भी मैथ्स अगर आप सीख रहे हो 7th 8th में, स्टैंडर्ड 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ्स समझना, क्योंकि जो लेवल होता है 8th 9th 10th में वो थोड़ा हायर लेवल हो जाता है, और फिर जो आपका बेसिक यहीं का यही रह जाता है। तो आई होप आप लोग जितना हो सके आप लोग समझने की कोशिश करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना हो सके आपके क्लासमेट्स को, जितना हो सके आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियोस को, मेरे चैनल को जितना हो सके आप लोगों को शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस तरह से मुझे सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इस वीडियो के ठीक नीचे जाइए और रेड बटन पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के, और मुझे सपोर्ट कीजिए इस तरह से। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।